प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार अर्थव्यवस्था के हर एक विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार। कहा, इस वर्ष का बजट वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत की अग्रणी भूमिका तय करने में होगा अहम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी के 128 कलाकारों को किया पुरस्कृत। 2019, 20 और 2021 के कलाकारों को दिए गए पुरस्कार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक से जुड़ी प्राथमिकताओं पर की चर्चा। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यप्रणाली WMCC की 26वीं बैठक पेचीन में हुई संपन्न। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हालात की समीक्षा की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की नई किस्म की विकसित। मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी की चुनौतियों का सामना कर सकती है ये नई किस्म। HD 3385 किस्म अगैती बुआई के लिए है अनुकूल। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को दी मंजूरी। स्वीकृत परियोजनाओं के तहत कई राज्यों में गंगा नदी को साफ करने के लिए जल मल शोधन संयंत्र से जुड़े किए जाएंगे विभिन्न कार्य। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए संस्कृति का आदान प्रदान है आवश्यक। ICC T20 महिला विश्व कप सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने।